और तरबूज को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, बहनें आपस में एक दूसरे से बड़ी क्लोज होती हैं, है ना, एक दूसरे का बड़ा मान रखती हैं, ख्याल रखती हैं, राजदार भी होती हैं, सबसे बेहतरीन मतलब दोस्त भी होती हैं, सबसे बेहतरीन राजदार भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। कोई मुख्तसर वाकया, कोई तजुर्बा, कोई बात? मेरे से जो छोटी बहन है, शी इज स्पेशल चाइल्ड, शी इज 16 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे पास होती है और वो मेरे लिए इट्स लाइक अ बेबी फॉर मी, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अभी तो स्पेशल चाइल्ड है। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो स्लिप हो गई थी डॉक्टर के हैंड से, तो उसको सेरेब्रल एट्रोफी है, श्रिंकेज ऑफ ब्रेन सेल्स। तो वो अभी है तो तकरीबन 16-17 ईयर्स की, पर वो है ऐसे ही जैसे छोटा बेबी होता है, क्योंकि हम उसको खुद ही खिलाते हैं सब कुछ। तो मैं कई बार ऐसी चीजें सोचती हूँ कि मामा पापा भी मतलब हैं और सब कुछ, पर मेनी ऑफ द टाइम्स आई एम थिंकिंग कि ये आई एम टेक केयर ऑफ हर नाउ। प्लीज बी स्ट्रांग। जरा आप अपनी बात कंप्लीट करें डॉक्टर साहब, पहले बात कंप्लीट कीजिए। अक्सर वैसे बात नहीं हो रही, ये मोहब्बत में अपनी बहन को याद करके इन पर रिक्कतदारी हो गई है। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये स्पेशल चाइल्ड भी हैं और आपके लिए स्पेशल गॉड गिफ्टेड भी हैं। ऐसे ही इस पे कोई दूसरी राय? उनकी उनकी वजह से हो सकता है कि आपकी इज्जतें बढ़ रही हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आपको रिस्क मिल रहा हो, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिस्क दिया। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात। घर में सुभान अल्लाह, आपके घर में वो रिस्क का खजाना है। बल्कि यूं कहिए, मैं आपको बताऊं, वो जन्नत का डॉक्टर साहब, टेक केयर करूं और ख्याल रखूं। और सबसे वो जन्नत का स्पेशल गेट पास है आपके लिए, यूं समझ लें। एजाज मिला हुआ है कि आप उसकी खिदमत कर रही है। एजाज देखें जुनैद भाई, वो इसलिए भी हम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बच्ची है कि उसको ना तो उसके सर पर कोई गुनाह का बोझ है। वाह वाह वाह, तो पाक साफ है। वाह, वो तो जन्नती है। वाह, और उसकी खिदमत करने की वजह से आपकी पूरी फैमिली जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो बड़ा लाड तो करती होगी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहचानती है वो? हाँ जी बिल्कुल, उसकी सेंसेस है, शी कैन मतलब बस बात नहीं कर पाती, पर वो समझती है। उसने एक दफा उमरा किया हुआ है, उमरा उठा के सही करवाई और सब कुछ। तो आप ही ने उमरा करवाया उसे? जी जी जी, मैं और मेरे फादर ने, हमने सही करवाई थी उसे उठा के 2004 में जब उमरा किया। तो पर ये कि ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं, पर मैं हमेशा से सोचती हूँ कि अल्लाह ताला माँ बाप को सर पे सलामत रखे, बट एज अ एल्डर सिस्टर आई विल टेक केयर हर ना लाइक एनीथिंग। प्यार करती है, लाड करती है, बहुत प्यार है। मेरा ख्याल है फिर वो आपकी उसकी एक अटैचमेंट इस तरह की होगी कि उसे जो भी बात मनमानी होती होगी वो आप ही से कहती होगी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करती है? नहीं बात नहीं करती, बस सिर्फ इतना है कि अगर मेरे दिल में कोई भी बात या चीज होती है तो मैं उससे शेयर जरूर करती हूँ। वो बात तो नहीं कर सकती, पर आई नो कि वो मुझे अंडरस्टैंड करती है और वो तमाम चीजें बहुत फील करती है। जी 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 जी, एहसास होता है उसको, पता है लव हैज नो लैंग्वेज। उसकी आंखों की टिमटिमाहट, जी जी जी, उसकी आंखों की जो चमक, जी जी, और कभी उसकी आंखों का जो है वो यूं कहिए कि उसकी आंखों में आंसुओं का तैर जाना, जी जी, आपको बहुत जीरो बम बताता होगा कि उसके मिजाज में कितना जीरो बम है। अल्लाह ताला के वो साबरीन लोग हैं जो किसी चीज की डिमांड नहीं करते, कुछ मांगते नहीं है, उनका उनको कोई चीज ही नहीं। बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हमें ये चाहिए, ये चीज लेनी है, उनकी कई तकाजे होते हैं। पर ये देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है तुम्हारे माल और औलाद आजमाइश है, अल्लाह ताला दे और लेके आजमाता है। पर मैं कहती हूँ कि मैं बीइंग अ सिस्टर तो मेरा यही है कि मैं उसको जो है बहुत मतलब मुझे बहुत सबसे ज्यादा प्यार है उससे। वाह, अब तो पता है आपको, अब आपको बुलाया था माहिर गजाइयात के हवाले से लेकिन आप हो गए माहिर रूहानियात। आपने एक्चुअली लोगों को वोट आपने सवाल ही ऐसा कर लिया। ये जो टिप्स है ना, नहीं अरे ये सब अभी हमने तो आपसे पूछना था, तरबूज का मौसम है, तरबूज को छोड़िए साहब, ये जो आपने बता दिया लोगों को, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या? ये तो असल खिदमत ये है रिश्तों को बनाना।